नमस्ते, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे हो। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही क्विक और सिंपल तरीके से चाउमीन। चाउमीन बनाना बहुत ही आसान है, घर पे आप इसे बना सकते हो, क्योंकि बच्चे बड़े सबको बहुत ही अच्छा लगता है चाउमीन। तो मैं आपको बहुत ही इजी जो चाउमीन रेसिपी है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर पे। तो चलिए चाउमीन बहुत ही ईजी तरीके से बनाते हैं घर पे। यहाँ पे मैंने, मुझको लगेगा चाउमीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हरी शिमला मिर्च ले लिया है बारीक कटा हुआ। यहाँ पे हरी मिर्च ले लिया है बारीक कटा हुआ। यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है और यहाँ पे बारीक कटा हुआ मैंने आलू ले लिया है। और आपको चाउमीन तो लगेगा ही चाउमीन। और यहाँ पे मूंगफली ले लिया है, बहुत ही अच्छा लगेगा मूंगफली आप लोगे तो। करी पत्ता ले लिया है। चलिए बनाते हैं चाउमीन। चाउमीन जो पैकेट है, नूडल्स के लिए पैकेट है, आप इसको ऐसे तोड़ लीजिए और थाली में निकाल लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे बिल्कुल सादा पानी, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पानी के पानी में इसको नरम करेंगे। तो नरम करने से क्या होगा, आपको कोई भी ऑयल या नमक देने की ज़रूरत नहीं है। रूम टेम्परेचर पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से नरम हो चुका होता है। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से नरम कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पानी में। और एक चिपकेगा भी नहीं एक दूसरे से। अगर आप नूडल्स को बॉईल करते हैं तब चिपका जाता है, तो आपको थोड़ा सा ऑयल देना पड़ता है। पर मैं यहाँ पे रूम टेम्परेचर पानी में इसको डाल के नरम कर रही हूँ, इसलिए मुझे कोई भी ऑयल नमक देने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने एक छलनी ले लिया है। हमारा यहाँ पे नूडल्स बिल्कुल नरम हो चुका है। चलिए अब जो अतिरिक्त पानी है वो निकल जाएगा ये छलनी से। देखिए बिल्कुल भी ये चिपका नहीं है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे हमारा चाउमीन बनाने की नूडल्स बिल्कुल तैयार है। आप ऐसे करके तोड़ कर देख सकते हैं उंगलियों से। चलिए हम लोग यहाँ पे मूंगफली को रिफाइंड तेल में थोड़ा सा तर भून लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे भून लिया है रिफाइंड ऑयल में मूंगफली को। अब कढ़ाई पे आप थोड़ा हल्दी दे दीजिए गरम तेल में। अब बारीक कटा हुआ आप आलू इसमें डाल दीजिए। और हम लोग मध्यम आंच में जो आलू है उसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब नमक दे रही हूँ स्वाद अनुसार। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज में डाल दिया। अब आलू प्याज को मैं यहाँ पे, और शिमला मिर्च मैंने इसमें डाल दिया हूँ। बारीक कटा हुआ हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दिया हूँ। और हम सबको बहुत अच्छे से मिला के हम आलू प्याज शिमला मिर्च को हम लोग भून लेंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हल्दी फिर से दे रही हूँ। अब इसको आप अच्छे से मिला लीजिए। कुछ मिनट हम सबको थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद थोड़ा सा तलने के बाद हम इसको निकालेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद हम सब्जी को निकाल चुके हैं प्लेट में। तला हुआ मूंगफली और तला हुआ सब्जी। अब कढ़ाई में जो तेल है रिफाइंड तेल, उसको मैं थोड़ा सा गरम करके जो चाउमीन है उसको मैं डाल रही हूँ इसमें। इसको मैंने इसमें डाल दिया और हम थोड़ा सा तेल में इसको भून लेंगे। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर दे रही हूँ, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक दे रही हूँ और थोड़ा सा चीनी दे रही हूँ। आप चाहो तो ना भी दे सकते हो चीनी। अब सबको अच्छे से आप मिला लीजिए मसाला को। मसाला को मिलाने के बाद हम चाउमीन को एक कढ़ाई पे थोड़ा सा भून लेंगे मसाला के साथ। उसके बाद हम सब्जी को इसमें ऐड कर लेंगे। और सब्जी को हम इसमें ऐड कर रहे हैं इस चाउमीन बनाने के लिए। सब्जी को आप नूडल्स में ऐड कर दीजिए, मूंगफली को भी ऐड कर दीजिए। सबको ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसको थोड़ा देर हिल चलाते रहिएगा और थोड़ा हम इसको भून लेंगे। देखिए हमारा, अब करी पत्ता आप इस पे डाल दीजिएगा। करी पत्ता डाल के आप इसको मिला के थोड़ा सा भून लीजिए चाउमीन को। अब मध्यम आंच में आप चाउमीन को भून लीजिए। देखिए हमारा चाउमीन यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। बहुत ही आसान है चाउमीन बनाना। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से यहाँ पे हमारा घरेलू जो चाउमीन है, होममेड चाउमीन आपको मैंने बनाना सिखा दिया।
आप इसको घर पे जरूर बनाएं और बताएं कैसे बना है। होममेड चाउमीन, होममेड नूडल्स आप बोल सकते हैं। तो क्विक, बहुत सिंपल, क्विक और सिंपल चाउमीन मैंने आपको यहाँ पे बनाना सिखा दिया। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। अगर आपको कोई सुझाव देना है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको आंसर दूंगी। तो यहाँ पे चाउमीन बनकर तैयार हो गया है बहुत आसान तरीके से। आप इसे घर पे जरूर बनाएं, आपका एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिए। मैं नया रेसिपी लेके फिर से आऊंगी आपके सामने। तो तब तक आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को और खाना बनाते रहिए। तब तक अच्छे से रहिएगा। टाटा, बाय बाय।